Assalamu alaikum everyone. Here I am again with lecture number 2 for essay writing. Yeah. Essay writing पे इससे पहले आप लोगों के साथ एक बड़ा डिटेल सेशन हुआ. दैट वॉज मोर अबाउट डूज एंड डोंट्स इन एसे राइटिंग. एंड देन उस पर अच्छा फीडबैक रहा आप लोगों का कि वट आर सम सर्टन डूज एंड सम सर्टन डोंट्स इन एसे राइटिंग. कौन से ऐसे अवामिल या चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग ऐसे राइटिंग में फ़ेल हो जाते हैं, और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि मतलब अच्छे खासे लायक फायक और ज़हीन फ़तीन तलबा जो हैं उनको इस कंपटीशन से बाहर कर देती है. तो आज हम ऐसे राइटिंग के दूसरे लेक्चर के साथ थोड़ा सा एक हम कर लेते हैं रीकैप कि हमने मेन मेन चीज़ें कौन सी डिस्कस की थी. उसमें हमने जो बहुत ही दो चार बॉटम लाइन किस्म की चीज़ें डिस्कस की थी वो ये थी कि हमने सीएसएस का एसे लिखना है, इनफैक्ट सीएसएस का एसे. फिर हमने डिस्कस किया था कि हमने बाकी तमाम ऐसे राइटिंग के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको अनलर्न करना है और सीएसएस के एसे को रीलर्न करना है. फिर उसके बाद अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है, स्टाइल है, स्ट्रक्चर है एसे या सीएसएस के एसे का, जो डिज़ाइन किया असातज़ा ने बिफोर दैट, उसको हमने फॉलो करना है. और दूसरी चीज़ जो इसमें हमने सीखी वो ये थी कि अपना क्रिकेट वाला उसूल जो है वो याद रखना है. फिरका चालीसिया वाली बात बड़ी मज़े की थी कि हमने 40 स्कोर जो हैं वो टारगेट करने हैं. वी नीड टू स्कोर 4-0 एंड वी नीड नॉट टू एस्पायर आर ड्रीम अबाउट 7-0, बिकॉज 7-0 वाली ज़ीरो बड़ी ख़तरनाक होती. सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी. खैर, और आई एंडेड अप विद बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एसे फॉर सी एस एस. सी एस एस एसे के अगर हम स्टेप्स देखें, अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स देखें या सी एस एस एसे की मेकिंग देखें या उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है. अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम पास हो जाते हैं. अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो नुकसान. और एसे इज़ यू नो रियली समथिंग दैट इज़ डिसाइसिव इन सी एस एस ए. और सी एस एस में अगर ऐसे, वो हमारे बड़े मोहसिन दोस्त थे जो बात करते थे, कहते थे कि सी एस एस में इम्तिहान एक ही होता है, बाकी 11 तो पेपर्स होते हैं, पास हो ही जाते हैं. सो इस इम्तिहान को कैसे पास करना है, इसकी लास्ट टाइम हम काफ़ी सारी चीज़ें बता चुके हैं. और अब हम जा रहे हैं ऐसे के करने के स्टेप्स क्या हैं. स्टेप्स मैं आपको पहले बता देता हूँ और उसके बाद हम इसको कैरी ऑन करेंगे. नंबर वन, ऐसे में हम थिंग्स टू डू बिफोर स्टार्टिंग एन ऐसे. नंबर टू, चूजिंग द टॉपिक. नंबर थ्री, मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक और मेकिंग स्टैंस और मेकिंग थीसिस स्टेटमेंट. नंबर फोर, making outlines. Number 5, introductory paragraph. Number next, body of the essay, the discussion part, and then the last conclusion. ये एक essay की building blocks हैं जिनसे मिलके essay बनता है, तैयार होता है. Going ahead, पहले इससे पहले अगर मैं कोई बात करूं कि आपने करना क्या है, तो आपने ना सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं बल्कि एक टाइमलाइन भी फॉलो करनी है. अर्ली इन द मॉर्निंग आई थिंक इट्स गोना बी ऑन 16th of Feb 2018, सुबह 9 बजे आपको ऐसे का पर्चा थमा दिया जाएगा. आप चाहते हैं या नहीं चाहते, आपको ऐसे का पर्चा थमा देंगे. आपने जो पहली चीज़ करनी है वो ये है कि आपने अपनी टाइमलाइन फॉलो करने का माइंड बना लेना है कि मैंने कितने टाइम में टॉपिक सिलेक्ट करना है, मैंने कितने टाइम में थीसिस स्टेटमेंट बनानी है, मैंने कितने टाइम में उस थीसिस स्टेटमेंट पे आउटलाइन जो है वो ड्राफ्ट करनी है, मैंने कितने टाइम में अपना इंट्रोडक्शन बनाना है. सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, मेकिंग आउटलाइन और कंस्ट्रक्टिंग द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ये 4 या 5 काम जो हैं ये रफ में होते हैं.
रफ में ही करने चाहिए। अगर कोई नहीं मानता तो रफ के अलावा करके देख ले, मान जाएगा। पहला स्टेप, थिंग्स टू डू बिफोर स्टार्टिंग एन एसे। मैं जब ये शुरू में पहले पढ़ाता था तो आई नेवर एडेड दिस इन माई लेक्चर के देर आर अ फ्यू थिंग्स टू डू बिफोर स्टार्टिंग योर एसे। लास्ट टाइम कुछ ऐसे मरीज आए जिनसे वास्ता पड़ा, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि एसे शुरू करने से पहले भी कुछ चीज़ें करने की होती हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग 9 AM एंड एग्जामिनेशन हॉल 15th और 16th फेब। सो गुड लक एवरी वन, गुड लक फॉर योर एसे अहेड। नंबर 1, बी काम एंड कंफर्टेबल। कोई हैसल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आप अपनी सीट पे बैठें। नंबर 2, डोंट लुक अराउंड। ऐसे आप चेहरे को देखना शुरू हो जाएं कि जनाब ये शक्ल से लग रहा है इसने बहुत पढ़ा हुआ है, और ये जो बंदा आया है ये मतलब इसने तो सारी रात पढ़ा है। ओ भाई, तू अपना काम कर, तू अपने कपड़े पहन, बाकियों की ड्रेस डिजाइनिंग छोड़। नंबर 2, इसी में ही थिंग्स टू डू बिफोर यू स्टार्ट एन एसे, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, या इनवोक व्हाट ऑप्टिमिज्म। और अपने आप को यार पॉजिटिव मैसेजेस दो और थिंक, थिंक पॉसिबल, थिंक पॉसिबल, यू कैन डू दिस। होता यूं है, एक एक साल, 1.5 साल, 2 सालों की मेहनत होती है। ऐसे में जो हलाकतें हुई होती हैं उनका एक खतरा, खदशा मौजूद होता है, फेल होने का डर होता है, और पता नहीं मैं सही लिखूं या गलत लिखूंगा, एक जो कॉन्फिडेंस सॉर्ट ऑफ मतलब शेकिंग किस्म का कॉन्फिडेंस होता है जो आपका, और फिर एग्जामिनेशन हॉल का अपना एक ऑरा होता है जो घबराहट की तरफ ले जाता है चीज़ों को। उस टाइम पे यू नीड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, यू नीड पॉजिटिविटी, यू नीड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, दैट यू नीड टू कन्वे अ मैसेज दैट आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल राइट अ वेरी गुड एसे, आई कैन पास, और मैं नहीं फेल होऊंगा, आज मैं बड़ा अच्छा लिखूंगा, बड़ा संभल के खेलूंगा, मैं बहुतात होकर चलूंगा, आई वॉन्ट मेक अ मिस्टेक, आज का ऐसे मैंने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो मेरे टीचर ने मुझे गाइड की, एंड ऑल दैट। मैं कोई तजर्बा नहीं करूंगा और मैं कोई मतलब अपनी तरफ से रंग नहीं घोलूंगा, एंड ऑल दैट। इस सारे प्रोसेस में अगर आपको 3 से 4 से 5 मिनट भी लगते हैं तो मेरा मशवरा है लगा लीजिए, अपने आप को साइकोलॉजिकली कंपोज कर लीजिए। एंड व्हाट आई सजेस्ट मोर इज हैव चॉकलेट्स, हैव च्युइंगम, और स्वीट्स रखो यार साथ, छोटी मोटी कोई अपना, मतलब आप उनको चबाओ, चखो, अपना अपना मूड चेंज करो, बिल्कुल प्रेशर नहीं लो। ये वो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है दैट इज रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग एन एसे। लोग घबराहट में, पंजाबी में कहते हैं, बौंतर जाते हैं और फिर वो पेपर को पढ़ जाते हैं, और फिर उसके बाद सारी गलतियां जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की कि लोग करते हैं तो वो धड़ल्ले से करते जाते हैं, एंड ऑल दैट इज लीडिंग टू फेलियर। लेट मी टेल यू, आपने उस लेवल पे जाके क्या रहना है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहना है, अपने आप को मजबूत रखना है, अदरवाइज आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे। कोई जल्दबाजी, कोई किस्म की, किसी किस्म की इस तरह की टेक्निकल गलती आपने कर दी, अगर आपने अपने आप को साइकोलॉजिकली ही नहीं संभाला तो मतलब मसला बन जाएगा, आपके अपने लिए मसला बन जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी डिस्टर्ब होती है और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। उन 3 घंटों को आपने अच्छा गुजारना है, उन 3 घंटों को अच्छा गुजारने के लिए बहुत अच्छा सोचने की ज़रूरत है, और उस लम्हे अगर कोई अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करता है, उस लम्हे कोई कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, उस लम्हे कोई पढ़ जाता है पेपर को बगैर सोचे समझे और बाद में घबराहट आ जाती है, और उस लम्हे कोई सोचता है कि आज तो मैं गया, एंड ऑल दैट, दिस इज़ रियली फैटल। अपने आप को साइकोलॉजिकली मजबूत करें। वंस यू फील के आई एम रेडी फॉर द एग्ज़ाम, वंस यू फील के आई एम साइकोलॉजिकली रेडी टू गो फॉर द एसे, तो यार इसमें 3-4 मिनट में अपने आप को संभालने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी मतलब इफ इफ पॉसिबल तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इकट्ठी करें, मैं कहता हूँ अल्लाह से दुआ करें मीन टाइम बिफोर स्टार्टिंग योर एसे। मैं कहता हूँ कि मतलब आप दुरूद पाक पढ़ें मीन टाइम,
इससे आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगी और अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे, आप एक अच्छा ऐसे करने के काबिल हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग इज द साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। नंबर टू, स्टेप टू इन एसे राइटिंग इज चूजिंग द टॉपिक। चूजिंग द टॉपिक के बारे में हमारे एक बड़े बुजुर्ग उस्ताद वो कहते थे कि बी केयरफुल, बी कॉन्शियस वाइल चूजिंग अ टॉपिक, इट्स रियली सेंसिटिव। सर जी कितना कुछ सेंसिटिव है? वो कहते थे कि इट इज एज सेंसिटिव एज दैट ऑफ चूजिंग अ स्पाउस। या आपने बहुत मोहतात होकर ऐसे का इंतखाब करना है, और लेट मी टेल यू के अराउंड 50% ऑफ योर सक्सेस इन ऐसे इज ऑल अबाउट चूजिंग द राइट ऐसे। मेरे पास स्टूडेंट्स आते रहे, एक एक दो दो साल ऐसे भी करते रहे सर, लेकिन जब ऐसे मतलब चूज़ करना है कौन सा करना है और कौन सा छोड़ना है सर, वहाँ बड़ा मसला आता है, हम क्या करें, हम मतलब थिंग्स लाइक दिस। अब ऐसे चूज़ करना एक मतलब इससे पहले कुछ करने की चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम ऐसे चूज़ करने की तरफ आते हैं। सो नंबर वन, रीड एंड री रीड ऑल द टॉपिक्स। या जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको रीड और री रीड करो टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। नंबर टू, डू नॉट जंप ऑन टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक कि जनाब मैं एक दो तीन आठ टॉपिक्स ना दिए हुए हैं मैं पढ़ रहा हूँ, लो जी चौथा मैंने ये नंबर फोर वाला ही करना, लो जी बस मेरा ये फाइनल हो गया, और भाई पाँचवा छठा सातवां पढ़ ले। इस तरह के शहजादों को हमने देखा ऐसा पेपर भर के बाहर आते हैं और फिर आगे सर पकड़ते हैं, ओ यार मैं ये नंबर सिक्स वाला बड़ा अच्छा मैंने कर लेना था, मैं तो भाई इसलिए कहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी टॉपिक्स हैं उनको टाइम एंड अगेन रीड एंड री रीड। स्टेप टू, रीड बिटवीन द लाइन्स। उसमें उन्होंने मेटाफर यूज़ किया है, सिमिलीज यूज़ की हैं, आपने बिटवीन द लाइन्स भी पढ़ना है, उनके बिल्कुल ज़ाहरी अल्फाज या ज़ाहरी मीनिंग्स पे बिल्कुल नहीं जाना। वाट इज़ समथिंग हिडन बिहाइंड द गिवन वर्ड्स एंड यूज टर्मिनोलॉजी, उसको भी जहन में रखना है। उसके बाद डू नॉट गो फॉर एनी ऐसे दैट यू अचानक फील के जनाब इसको मैं अब बहुत अच्छा कर लूंगा, नहीं वेट। आपने टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को टाइम एंड अगेन पढ़ लिया, 5 मिनट या 4 मिनट का टाइम इस पे आप दे चुके हैं, आपको पता चल गया कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। अब आप करोगे क्या कि यू विल सर्कल एंड सर्कल टू टॉपिक्स आउट ऑफ ऑल योर 8 और 9 टॉपिक्स। 1 2 3, 3 पे मैं रुका हूँ, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, मैंने उसको सर्कल कर लिया है। 4 5 6 7 8, यस 8 भी मुझे लग रहा है मैंने मतलब कर सकता हूँ, उसको सर्कल कर लिया। यू सर्कल टू टॉपिक्स ऑन टू डिफरेंट बेसिस फॉर टू डिफरेंट रीजन्स। नंबर वन, जो टॉपिक 3 आपने सर्कल किया वो इसलिए किया कि आपको वाइब्स आना शुरू हो गई, इस पे मेरे पास बहुत नॉलेज है, इसका तो मतलब बड़ा मतलब मेरा एक इल्मी बैकग्राउंड है, इस पे बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने इस पे 2 किताबें पढ़ी हुई हैं, मैंने इस पे 4 मूवीज़ देखी हुई हैं, 2 या 3 लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, मैंने इस पे एक ट्रेनिंग भी अटेंड की हुई है, और बड़ा इस पे मुझे अबूर है एंड ऑल दैट। साथ में एक और मिसाल देता हूँ कि यू आर अ ड्राइवर एंड आपने लाहौर की सड़कों के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है, और लाहौर की सड़कों के बारे में आपने मूवीज़ भी देखी हुई हैं, लाहौर की सड़कों के बारे में आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कभी यहाँ पे गाड़ी चलाने का इत्तेफाक नहीं हुआ है। यस एंड देन टॉपिक नंबर 9 दैट यू एक्चुअली सर्कल और इन सर्कल इज कि ये वाला टॉपिक जो है ये हमने CSS की तैयारी के दौरान टीचर साहब को करके दिखाया था, यस हमने अपने सर को ये करके दिखाया था, और जो हमने करा था ये एग्जैक्टली वही है, नहीं ये उससे मिलता जुलता है, इसका और उसका सिमिलरिटी लेवल जो है वो है अराउंड 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और एनीथिंग।
ये क्या है? ये बेसिकली आप की दूसरी मिसाल मैं देता हूँ कि दूसरा, आप एक ड्राइवर हैं और आप इस्लामाबाद में, आपने वंस और ट्वाइस ड्राइव की हुई है। अब हम आपसे इम्तिहान लेते हैं कि देर आर टू ऑप्शंस वेयर यू वुड लव टू ड्राइव। आइदर लाहौर, जहाँ की सड़कों के बारे में आपने बहुत पढ़ा हुआ है लेकिन वहाँ प्रैक्टिकली कभी ड्राइविंग का आपको इत्तेफाक नहीं हुआ, और दूसरा ऑप्शन इस्लामाबाद, जहाँ आपने एक आधी बार गाड़ी चलाकर देखी हुई है। कौन से ऑप्शन के लिए आप जाओगे, जहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, इल्मी या अमली? डेफिनेटली अमली का बनता है, जहाँ जिस सड़क पे आपने एक आधी बार पहले गाड़ी चलाई है या आपको वहाँ पे गाड़ी चलाने का इत्तेफाक हुआ है, वहाँ पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील। सी सेम इज़ इन द केस ऑफ एसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में जो टॉपिक आपने प्रैक्टिकली पहले किया हुआ है, नॉट एग्जैक्टली बट मिलता जुलता, सिमिलैरिटी लेवल 70%, 60%, 50%, कभी कभी तो वो याद पड़ता है 2012 में या 11 में एनर्जी क्राइसिस आ गया था, लोगों ने वो किया हुआ था, 100% आ गया था। तो आपने कोई ऐसा टॉपिक जिस पे पहले कलम नहीं चला हुआ और उसकी निस्बत एक ऐसा टॉपिक मौजूद है जिस पे कलम चला हुआ है, तो गो फॉर द वन विच यू हैव एक्चुअली प्रैक्टिकली रेशनली एंड प्रीवियसली डन। गो फॉर दैट टॉपिक प्लीज, एंड नेवर एवर गो फॉर द टॉपिक दैट इज अट्रैक्टिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, और द आपको एक लग रहा है कि यार इस पे तो बहुत इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है। नहीं, वो तजर्बा नहीं करना, यहाँ तजर्बे की गुंजाइश नहीं है। ये अटैम्प्ट जो होती है ये बहुत कीमती होती है। हम सीनियर से पूछ के देखें जिन्होंने मतलब दिया हुआ या पास किया हुआ, उनको अटैम्प्ट की अहमियत का सही अंदाज़ा होता है कि एक अटैम्प्ट कितनी कीमती होती है। ऑलवेज गो फॉर द टॉपिक दैट यू हैव प्रैक्टिस समवेयर बिफोर दिस, आप उससे प्रैक्टिकली गुजरे हैं। अब एसे का टॉपिक चूज करने के डूज एंड डोंट्स में और भी कुछ चीजें हैं कि यार नो एक्सपेरिमेंट्स प्लीज। मुझे याद पड़ता है पहली बार मैंने एक टॉपिक ऐसे उठा लिया था, तजर्बा, इल्म बहुत उसके बारे में एंड ऑल दैट। अब होता यूं है जहां आपको बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही होती हैं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, इस पे मैंने बहुत नॉलेज रखा हुआ है एंड ऑल दैट, होता यूं है कि वो बेसिकली वो एक इल्यूजन होता है। रोजन इस तरह से होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ रही होती है कि इतना मेरे पास इसमें बैकग्राउंड, जब आप ऐसे लिखना शुरू करते हैं पहले एक दो तीन सफ़े तो बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह से लिखे जाते हैं, लेकिन ये सीएसएस का ऐसे है 25 to 3500 words आर रिक्वायर्ड एक्चुअली। तो होगा यूं कि सफ़ा नंबर 4 तक तो गाड़ी बड़ी खूब चलेगी, सफ़र नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 की जब बारी आएगी तो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज, थॉट्स, वर्ड्स, वोकैब, सेंटेंसेस, एक्सप्रेशंस एंड ऑल दैट प्लस पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी उधर रुक जाएगी। क्यों? आप एक अननोन सड़क पे चला रहे थे, आपको सड़क का आइडिया था लेकिन सड़क अननोन थी। या नेक्स्ट नेक्स्ट, इसी में आपको जो दूसरा वाला टॉपिक हमने कहा कि जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है पहले और आपने वो करना है, वो हमने क्यों कहा? वो इसलिए कि जब आप वो करना शुरू करेंगे तो वो जो वोकैब आपने प्रैक्टिस की हुई थी, वो आइडियाज़, वो सेंटेंसेस, वो स्ट्रक्चर, और मैं तो यहाँ तक तजर्बा कर चुका हूँ कि लेंथ एंड विड्थ ऑफ पैराग्राफ्स, साइज ऑफ पैराग्राफ आपको रिट्रीव होना शुरू हो जाता है, आपकी जो मेमोरी है जो आपने पहले प्रैक्टिस की होती है वो आपको चीज़ें वापस करना शुरू कर देती है एट दैट पॉइंट इन टाइम। आपने उस लेंथ की गाड़ी, आपने 300 किलोमीटर गाड़ी चलाई हुई होती है बिफोर दैट, आपको अंदाज़ा होता है कि मैंने ये वाली गाड़ी भी 300 किलोमीटर लेकर जानी है, लाइक 25 और 3500 words। इसमें बहुत मोहतात सिलेक्शन करने की ज़रूरत है। अगर आपने वो वाला ऐसे चूज़ कर लिया जो आपने सोचा कि जनाब इससे बड़ा नॉलेज आ रहा है, तो उसमें फिर वही हालात होते हैं, बहुत जल्दी वो नॉलेज ख़त्म हो जाता है। वो 300 किलोमीटर नहीं लेके जाती है आपको गाड़ी, वो पेट्रोल होता है थोड़ा सा। बट द अदर वे अराउंड इज़ द टॉपिक दैट यू हैव प्रैक्टिस सो फार एंड यू
गॉट इट चेक्ड बाय योर टीचर समटाइम, और जो टॉपिक आ गया ये उससे मिलता जुलता है, तो फिर उसकी उसकी थॉट्स, उसके आइडियाज़, उसका इंट्रो, उसकी आउटलाइन, उसके वोकैब यहाँ एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं, और आप बेसिकली उसको रिवाइज़ कर रहे होते हैं, आप सेफ खेल रहे होते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। टॉपिक सिलेक्शन में एक और बड़ी अहम चीज़ कि नेवर ट्राई टू बी डिफरेंट, कि सर मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया कि मैं ज़रा कोई मुख्तलिफ करना चाहता था, मैं सर इसलिए करके आ गया हूँ, कौन सा टॉपिक करके आए हो, या सर मैंने ये टॉपिक किया है और सर मैंने इसलिए किया, पूरे हॉल में मुझे नहीं लगता किसी और ने किया होगा, ओ भाई तुझे इसकी ज़रूरत क्या है, तू क्यों ये स्टंट कर रहा है, ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं है यार, तू बिला वजह मतलब। और क्या गलती करते हैं, और गलती ये करते हैं कि जनाब सोचना शुरू हो जाते हैं कि ये हो सकता है एग्जामिनर्स पे ऑफेंड हो जाए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता सर, रिलीजन पे हम करें या ना करें, मन एग्जामिनर फेल तो नहीं कर देगा, ओ भाई नहीं करेगा, आता है तो करना, बात ख़त्म। सर वमेन पे अगर वो बायस्ड होगा या एंटी वमेन होगा या फेमिनिस्ट होगा, ओ भाई वो कुछ नहीं होगा, इट इज़ यू हु आर गोइंग टू मेक हिम एनीथिंग, वेरी सिंपल। क्यों? आपने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, फिर आपने उसको प्रूव किया, बंदा मुतमिन हुआ, आप पास हुए, फुल स्टॉप, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। अब आप कहना शुरू कर दें कि जी वो मैंने सुना था कि जी वो वुमेन पे नहीं करना चाहिए, मैंने सुना था कि जी वो, हाँ अलबत्ता कुछ एंटी स्टेट, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें नहीं चलती और इनका तुक भी नहीं बनता, आप खुद सेंसिबल होते हैं, आप अपने ही मुल्क में इम्तिहान दे रहे हैं और यहाँ इस तरह की मतलब नादानियाँ अच्छी नहीं होती, तो बी मॉडरेट, अपने सारे ऐसे में एक अच्छी सी तरतीब रखें, कोई जल्दबाजी या इसकी ज़रूरत नहीं है, नो स्टंट्स यार, कि कोई जल्द वो रंगबाजी नहीं करनी उधर के मैं कोई डिफरेंट करने जा रहा हूँ, और यार डिफरेंट नहीं कर रहे, ये आपका ताल्लुक फ़िरका चालीसिया से है तो आप डिफरेंट नहीं कर रहे, आप मिन्नत समाहित कर रहे हैं और अपने 40 नंबर पक्के कर रहे हैं सेफ खेल कर, दैट्स इट, इसमें फिर वो बहस नहीं बनती कि सर वो मैं मतलब चाह रहा था कि इस तरह से हो जाए, नहीं। उसके बाद डू नॉट जंप ऑन टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक विदाउट रीडिंग द ऑल द टॉपिक्स, हाँ कोई एक खास टॉपिक पे जंप नहीं करना, तसल्ली से आराम से सारे टॉपिक्स को टाइम एंड अगेन पढ़ के, कोई डिफरेंस वगैरह की बात नहीं यार, जो तुम्हारे कपड़े हैं तुम वो पहनो, जो लोग इस तरह बात करते हैं कि सर मैं सोच रहा था डिफरेंट उठा लूँ, और भाई मैं कहता हूँ जो तुम्हारे कपड़े हैं तुम वो पहनो, फुल स्टॉप, जो तुम्हें टॉपिक पूरा आता है तुम वो पहनो, बात ख़त्म। अगली चीज़ इसमें मैं अपने जो स्टूडेंट्स मेरे इंजीनियरिंग और मेडिसिन और बाकी सोशल साइंसेज के बैकग्राउंड से आते हैं उनके साथ मेरी एक जो एक काउंसलिंग होती है उसमें मैं ये बताता हूँ कि यार ऐसे आप सिर्फ एक एक टाइप ऑफ एसेज जो हैं उनसे अवॉइड कर लो, और वो है आपका लिटरेरी एसेज, यस आप लिटरेरी एसेज से अवॉइड कर लो, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो कर लें लिटरेरी एसे, बनता है, और क्योंकि जो एग्जामिनर है उसका लिटरेचर पढ़ने पढ़ाने का कोई 30-40 साल तजुर्बा होता है, उसका अपना एक मेयार बना हुआ है, और लिटरेचर की टर्मिनोलॉजी और उसका जो अप्रोप्रिएट यूजेज है ही नोज बेटर, तो एक बंदा जिसका वो बैकग्राउंड नहीं है वो वाला स्टंट ना करे। हमारे पास बड़े सेफ ऑप्शंस होते हैं यार सीएसएस में, हम एजुकेशन पे ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम वुमेन पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम पॉलिटिक्स पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम करंट अफेयर्स पे, हमारे सोशल साइंसेज वाले दोस्तों के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है सोशल प्रॉब्लम पे ऐसे अटेम्प्ट कर लें, तो यार मतलब ऑप्शन आर अवेलेबल, ये वो जगह नहीं है जहाँ पे स्टंट करना है, यहाँ तो यार अपनी वो फेस सेविंग वाली बात है कि 40 नंबर वाला मामला पूरा करो और वहाँ से निकलो, और इसके अलावा मतलब मेरे जहन में तो कोई चीज़ नहीं आ रही जो मैं टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से बताऊं, हम टॉपिक सिलेक्शन पे बहुत डिटेल में चले गए हैं और ये डिटेल रिक्वायर्ड है, अदरवाइज़ अगर यहाँ पे जल्दबाजी कर ली या यहाँ पे कोई गलती कर ली तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए ही पैदा होता है। सो फार हम दो बातें कर चुके हैं, नंबर 1 थिंग्स टू डू बिफोर स्टार्टिंग एन एसे, उसमें मैंने आपको बताया कि वो साइकोलॉजिकल चीज़ें या अपने आप को साइकोलॉजिकली तैयार करने की चीज़ें हैं, नंबर 2 सिलेक्टिंग द टॉपिक, और कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड सो फार, नो तजर्बाकारी और नो एक्सपेरिमेंट्स, यू नो। नंबर 3,
Number three is making statement of the topic. Statement of the topic is actually your view of the topic. How do you view your topic? के ये वाला टॉपिक एग्जामिनर ने दिया है, अब आपका क्या लेंस है इस पे? फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता होता हूँ. मैं ये प्रैक्टिकली चीज़ें कुछ करवाता होता हूँ तो यहाँ सिर्फ उनका मैं एक आइडिया या कॉन्सेप्ट ही दे पाऊँगा. कि मैंने 10 स्टूडेंट बैठे हैं, उनको बोला है द टॉपिक फॉर टुडे इज़ पावर्टी, सो प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग ऑन द टॉपिक, बट बिफोर दैट यू नीड टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक. एक कहता है कि पावर्टी क्रिएट्स करप्शन, ओके. दूसरे की स्टेटमेंट आती है कि पावर्टी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. तीसरे की स्टेटमेंट आती है कि पावर्टी इज़ ड्यू टू इलिटरेसी. चौथी की स्टेटमेंट आती है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज लिविंग बिलो पावर्टी लाइन. ये जो हर बंदे ने अपना एक सेंटेंस बनाया है ना, एक ही वर्ड पे, द पावर्टी, ये उनका सेंटेंस जो है, ये बेसिकली उनकी स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक है. दिस इज देयर व्यू ऑफ द टॉपिक. हाउ डू दे व्यू के पावर्टी को कैसे लिखना है, एक्सप्लेन करना है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इनमें से कोई भी गलत नहीं है. जिसने कहा कि पावर्टी लीड्स टू करप्शन, वो भी ठीक. जिसने कहा कि पावर्टी इज बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, वो भी ठीक. क्यों? या जिसने ये दावा किया है कि पावर्टी इज दिस दिस एंड दिस, वो इसको प्रूव करे, बात ख़त्म. एग्जामिनर को इससे कोई गरज नहीं है कि आपने कौन सा पहलू लिया है. अभी कल एक स्टूडेंट मेरे साथ डिस्कस कर रहा था, ही वॉज अब्रॉड समवेयर. वो कहता है सर कि मैंने एक टोटली डिफरेंट एंगल लिया था और मेरा ऐसे पास हो गया, और मैं फेल हो जाऊंगा. मैंने कहा ये कोई एंगल भी डिफरेंट नहीं होता, कोई भी एंगल आप उठा लें, आप उसको प्रूव करें, आप पास हो जाते हैं. एग्जामिनर पूरे 2500 वर्ड्स में एक ही चीज़ देख रहा होता है कि इसने शुरू में लिखा था पावर्टी इज ड्यू टू इलिटरेसी, और अब उस मैंने देखना यह है कि 2500 वर्ड्स में ये कहाँ पटरी से उतरता है. आप पटरी से उतरे नहीं तो वो लाल कलम से आपको घर रवाना नहीं किया. ये उसूल है ऐसे राइटिंग का. कीप इन माइंड, आपने जो स्टैंस या जो शुरू में स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बना दी है, दैट इज योर रिलीजन अबाउट द टॉपिक सिंपली. और जब भी उसको लगेगा कि ये बंदा अपने रिलीजन से डिविएट कर गया है, या अपने रिलीजन को इसने निगेट कर दिया है, या इसने रिलीजन को छोड़ के किसी और को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अपने स्टैंस को छोड़ के किसी और को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, या उसका कोई काउंटर आर्गुमेंट लेकर आ गया है, तो नुकसान आपका हो गया. लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया. अब करना यूं होता है कि आपने एक कॉम्पैक्ट, शॉर्ट, क्लियर, बिट जनरल एंड स्पेसिफिक अपनी स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक बनानी होती है. स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक आपकी बिल्कुल शुरू में आती है. सबसे पहला आपका टॉपिक लिखा जाता है, लाइक योर टॉपिक इज फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. दिस इज योर टॉपिक एंड योर स्टेटमेंट टॉपिक मे बी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्राइट इन पाकिस्तान, फुल स्टॉप. अब आपने एक ये फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी ब्राइट इन पाकिस्तान वाला स्टैंस ले लिया, तो यू आर सपोज टू राइट 2500 वर्ड्स ऑन दिस. टू बी ऑन द सेफर साइड, सीएसएस के एसे में टू डायमेंशन स्टेटमेंट भी बनाई जाती है, लाइक डेमोक्रेसी या फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. तो हम टू वे या टू डायमेंशन स्टेटमेंट भी बना सकते हैं कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज़ सीन अ ब्लीक पास्ट, हाउ एवर द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान सीम्स टू बी ब्राइट, फुल स्टॉप. इसमें आप ऐसे के पहले हिस्से में वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे जिनकी वजह से डेमोक्रेसी ब्लीक रही है इन द पास्ट, और फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में आप डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी वो मतलब चीज़ें हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी इन फ्यूचर अच्छी होने जा रही है. क्योंकि सीएसएस कैसे है, 2500 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है. आपने दोनों स्टैंड्स जो हैं वो प्रूव करने हैं, और एग्जामिनर को इससे कोई गरज नहीं होगी, उसे चीज़ें प्रूवन चाहिए, फुल स्टॉप. कुछ लोग कहते हैं कि सर हम उससे मतलब बिल्कुल हटके या कंट्राडिक्ट, यार इससे में इसमें कोई हरज नहीं है. अभी मेरे स्टूडेंट्स जो पास हुए, उनमें एक ने वो अटेम्प्ट किया, फेमिनिज्म इज़ नॉट रियली द थर्ड वर्ड इशू,
काफ़ी सारे लोगों से मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, मैंने कहा हाँ जी जो उसकी स्टेटमेंट पे तो वैलिड लगी, उसने वो प्रूव की है, वो पास हो गया है। और अली यार खान ने जो स्टेटमेंट बनाई थी वो ये थी कि फेमिनिज्म इज़ नॉट रियली द थर्ड वर्ल्ड इशू सेंस द थर्ड वर्ल्ड इज मर्ड विद सो मैनी अदर मेगा इशूज़ और मेजर इशूज़ और मल्टीपल इशूज़ फुल स्टॉप। उसने पहले हिस्से में ये प्रूव कर दिया कि ये थर्ड वर्ल्ड का इशू नहीं है, और दूसरे हिस्से में उसने वो बल्क ऑफ इशूज उठा के लिख दिए जो कि थर्ड वर्ल्ड फेस कर रही है। और हर के मतलब बयान करते हुए उसने ये प्रूव करना था कि ये देखो ये पावर्टी है ये फेमिनिज्म से बड़ा है, ये इलिटरेसी है ये फेमिनिज्म से बड़ा है, और उसने थर्ड वर्ल्ड के इशूज़ को इस तरह से बयान कर दिया। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार था। और आप जो भी स्टैंस लेते हैं वो आपने बड़ा मोहतात होकर प्रूव करना होता है। स्टैंस में आप वन डायमेंशन भी रह सकते हैं, टू डायमेंशन भी रह सकते हैं, थ्री डायमेंशन भी रह सकते हैं। करना ये है कि 2500 to 3500 वर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है। तो बहुत मोहतात होकर अपनी स्टेटमेंट बनाएं। स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस इट कम्युनिकेट्स योर लेवल ऑफ क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, मेच्योरिटी, योर ग्रिप ओवर द वर्ड्स एंड योर बेसिक एबिलिटी टू एनालाइज योर टॉपिक एंड टू कन्वे द एग्जामिनर दैट आई एम वेल अंडरस्टूड विद द टॉपिक एंड आई कैन गिव यू द राइट आंसर एंड आई कैन राइट अराउंड 25 to 3500 वर्ड्स। ये आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है उससे चीज़ें झलकती हैं। तो आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाते हुए उसको इंक्लूसिव रखें, इतनी एक्सक्लूसिव या वन वेरिएबल या टू वेरिएबल के इर्द गिर्द ना घूम रही हो कि आप उधर बिल्कुल स्टक कर जाएं। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ फॉर एग्जांपल, या वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान, या हम कह सकते हैं कैन वुमेन बी इक्वल टू मैन इन पाकिस्तान, ये वाले सारे टॉपिक्स। और अब आपने इसकी स्टेटमेंट बनानी है। आप अगर बनाते हैं इस तरह की स्टेटमेंट के वुमेन इन पाकिस्तान आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड बाय द वुमेन इन पाकिस्तान आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड बाय द मेल्स ड्यू टू वन और टू थिंग्स, उधर आप लिख देते हैं ये चीज़ नुकसानदेह है। आप पर्टिकुलर लिख दें कि ड्यू टू पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। आप अगर ये दो वेरिएबल शुरू में दे चुके हैं तो आपने आगे ऑनवर्ड इसको प्रूव करना है टिल द एंड। तो इन दो वेरिएबल्स पे भाई 2500 वर्ड्स का ऐसे नहीं लिखा जाएगा। यस, अगर आपने इस तरह की स्टेटमेंट बनाई कि जेंडर इक्वेलिटी इज अ मिथ इन पाकिस्तान ड्यू टू वेरियस सोशो कल्चरल फैक्टर्स और सोशो कल्चरल पैटर्न्स, तो ये आपने क्या किया, ये आपने अपना कैनवस खुद ही वसी कर लिया। आप यहाँ खुल के खेल सकते हैं। आप जो रिक्वायर्ड लेंथ है CSS PMS के ऐसे की वो पूरी कर सकते हैं। तो अपनी स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक इंक्लूसिव रखें जिसमें चीज़ें आ सकें, मैक्सिमम चीज़ें आ सकें, और वन और टू वेरिएबल पे बिल्कुल ना स्टक कर जाएं। जैसे कि मैंने शुरू में एक बात की कि हमारा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आप कहते हैं कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्राइट ड्यू टू न्यू पॉलिटिकल पार्टीज एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच फुल स्टॉप। आपने मेरे भाई इसी पे 2500 वर्ड्स मुकम्मल करने हैं, इम्पॉसिबल। अगर आप लिखते हैं कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्राइट इन पाकिस्तान ड्यू टू रीसेंट डेवलपमेंट्स फुल स्टॉप, अब इन डेवलपमेंट्स में आप मल्टीपल वेरिएबल जो रेलेवेंट हैं वो लेके आ सकते हैं। ये वो साइंस है जो कि इन्वॉल्व है आपकी स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक में। मुझे याद पड़ता है कि जब 2013 में मैं फाइनल अटेम्प्ट दे रहा था CSS, द टॉपिक वाज जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो था कि एजुकेशन इज अ टेल टोल्ड बाय पीस ऑफ चॉक। ये उसने वो मतलब एक लिटरेरी जो एक उनका तरीकाकार होता है सिमिली मेटाफर या इस तरह की चीज़ें यूज़ करने का वो किया हुआ था कि उसने
पीस ऑफ चॉक का वर्ड यूज़ किया था कि एजुकेशन पीस ऑफ चॉक से फैलती है. पीस ऑफ चॉक मीन द वन द पर्सन हु होल्ड्स अ पीस ऑफ चॉक ही स्टैंड्स इन द क्लासरूम. एंड देन फॉर्मल एजुकेशन कहने का मतलब उसका ये था कि एजुकेशन जो है वो पीस ऑफ चॉक के गिर्द घूमती है. इसकी स्टेटमेंट को मैंने देखा, मैंने इसको टाइम एंड अगेन पढ़ा. अब अगर मैं उसकी बात को प्रूव करूं कि वाकई ही पीस ऑफ चॉक या फॉर्मल एजुकेशन या स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की तालीम घूमती है, मैं इस पे लिखता तो मैं 2500 वर्ड्स नहीं पूरे कर पाता. मैंने इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट के साथ इंक्रीज कर लिया कि एजुकेशन इज़ अ टेल विच इज़ टोल्ड नॉट ओनली बाय अ पीस ऑफ चॉक. हाउएवर वेरियस अदर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन फुल स्टॉप. पहले एग्जामिनर की बात पे आधा ऐसे डिस्कस कर लिया कि भाई आप सही कह रहे हो कि इट इज़ इंडीड द पीस ऑफ चॉक जो कि एजुकेशन के प्रोसेस को लेके चलता है. आधा ऐसे इस पे मुकम्मल और अगला ऐसे मेरा अपना इंक्लूडेड जो साथ एक शोशा कह लें वो था कि अदर देन आप सही कह रहे हैं महाराज कि इट इज़ इंडीड द पीस ऑफ चॉक, लेकिन ये सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी एजुकेशन को प्रमोट करते हैं. तो वो मेरा इस तरह से टॉपिक मुकम्मल हुआ और जो रिक्वायर्ड लेंथ थी वो पूरी हुई. मेजोरिटी ऑफ द पीपल रिक्वायर्ड लेंथ पूरी नहीं करते क्योंकि वो जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो बहुत लिमिटेड होती है, एक दो वेरिएबल्स के गिर्द घूम रही होती है और उन वेरिएबल्स पे लिखना मुश्किल होता है. और उम्मीद है कि अब आप जब भी अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे वो इंक्लूसिव होगी, इजी होगी, क्लियर होगी, टू द पॉइंट होगी, रेलिवेंट टू द टॉपिक होगी. और आप अगर इख्तलाफ राय भी कर रहे होंगे तो वो बड़ा सेंसिबल इख्तलाफ राय होगा, रियलिटी बेस्ड होगी. कोई ऐसा आपने मतलब क्या उसे कहते हैं कि कोई शोशा नहीं छोड़ देना कि जो बाद में काबू नहीं आए. तो एक सेफ और एक रीजनेबल किस्म की लेंथ होनी चाहिए आपकी स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक की. अब स्टेटमेंट और टॉपिक 3 लाइनों के अंदर अंदर मुकम्मल करें. ये भी मैं एक ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को ये गाइड करता होता हूँ कि आप अपनी स्टेटमेंट जब आपने 4 लाइनों 5 लाइनों में ले गए तो फिर एग्जामिनर को कन्वे हो गया कि बंदे को कन्फ्यूजन है. बंदा अपना रिलीजन ही नहीं डिसाइड कर पा रहा यार, बंदा अपनी बेसिक चीज़ ही नहीं बता पा रहा कि मैं किस पे बात करने जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ. यहाँ से एक बैड इंप्रेशन बिल्ड हो जाता है और वो आपके लिए नुकसानदेह है. अगर आपने स्टेटमेंट बना दी कि जनाब फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो अगर आपने स्टेटमेंट में ये लिखना शुरू कर दिया कि सिंस 1947 और ये फिर अगले साल और फिर अगले सालों से हट के भी अगले साल, और अगर आपकी स्टेटमेंट और टॉपिक चौथी लाइन पे चलेगी या पांचवी लाइन पे चलेगी वो आपके लिए नुकसानदेह है. उसमें एग्जामिनर को एक मतलब एक मैसेज कन्वे हो जाता है कि ये बंदा टॉपिक के बारे में क्लियर नहीं है और ये राइटिंग में इंक्लूसिव नहीं है, ये अपने आइडियाज को प्रिसाइज तरीके से बयान करने की स्किल नहीं रखता है, ये आप शुरू में कन्वे कर देंगे. वही अगर आपकी 2 लाइनों या 2.5 लाइनों की स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक होती है इंक्लूसिव नेचर की, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन बिल्डअप करती है. और यार क्लियर होनी चाहिए, आसान और सादा जुबान और अल्फाज में लिखने की कोशिश करें. वही जो बात मैं कहता हूँ कि जिस तरह मतलब आपके अपने अल्फाज हैं वही यूज़ करें, बजाय इसके कि आप उधार के कपड़े पहनना शुरू कर दें और वो बाद में आपको साइज तंग करें. तो ये कुछ चीज़ें थीं जो मैं आज के इस मुख्तसर से टाइम में आपसे डिस्कस कर सकता था. वी डिस्कस्ड थिंग्स टू डू बिफोर स्टार्टिंग एन एसे, वी डिस्कस्ड हाउ टू चूज अ टॉपिक, देन वी डिस्कस्ड हाउ टू मेक स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, हाउ टू राइट थीसिस स्टेटमेंट एंड हाउ टू राइट योर स्टैंस. ये 3 स्टेप्स आज आपसे डिस्कस हो गए और आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे. इसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक आउटलाइन, देन वी विल डिस्कस हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन एंड देन हाउ टू डिज़ाइन द बॉडी ऑफ एसे एंड विल एंड अप विद द कंक्लूजन. तो ये 4 स्टेप्स अभी रहते हैं, अभी हमारा लेक्चर 2, 3, 4 आएगा इस पे. तो स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह. अल्लाह ब्लेस यू ऑल. यू ऑल आर रियली
रियली आवर फ्यूचर ऑफिसर्स, वट आई नीड टू से इज़ मैं शफीक साहब को अल्लाह ताला अजर अजीम दे कि वो इस प्रोसेस में वॉलंटियरली खुद भी चल रहे हैं, और हम सब दोस्तों को भी मोटिवेट करते हैं कि हम भी अपना इनपुट दें इस फोरम पे और कुछ पे बैक करें, क्योंकि कुछ साल पहले तक हम भी ऐसे ही आप लोगों की तरह टामक टोइयाँ मार रहे थे, तो किसी ने कान में ये फूंक मार दिया कि यू पीपल आर आवर फ्यूचर ऑफिसर्स, तो उसका नतीजा बड़ा अच्छा निकला। तो आज हमारा टाइम है कि जब हमने आपको ये बताना है कि यू पीपल आर आवर फ्यूचर ऑफिसर्स। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, आप सब लोगों की आंखों के सभी ख्वाब अल्लाह ताला की ज़ात सलामत रखे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।